अंडर 14 आयु वर्ग के लड़कों व लड़कियों की राज्य स्तरीय स्पर्धा में हमीरपुर के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर कई स्पर्धाओं के खिताब अपने नाम किए। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोक में हुई प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने योग प्रदर्शन में प्रथम तथा जूडो में उप विजेता का खिताब जीता है। लड़कों तथा लड़कियों ने इस स्पर्धा में 11 ट्रॉफी जीतकर इस बार नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लड़कों की कल्पा किन्नौर में हुई मेजर खेलों में फुटबॉल तथा बास्केटबॉल प्रतियोगिता में जिला की टीम उपविजेता रही। बॉक्सिंग में 2 कांस्य पदक प्राप्त किए। ऊना के बसदेहड़ा में लड़कों की खेलों में हमीरपुर प्रथम स्थान पर रहा तथा बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते। इन खेलों में 2 कांस्य पदक भी झटके। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धर्मशाला में हुए एथलेटिक्स में लड़कों की 1 एक्ट प्ले में स्वर्ण पदक, भाषण प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, 100 मीटर दौड़ में द्वितीय तथा 200 मीटर में तृतीय स्थान पाया, 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक, 600 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक, 400×100 रिले दौड़ में भी द्वितीय स्थान अर्जित कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जिला हमीरपुर का गौरव बढ़ाया। इस वर्ष 2018-19 के जो हमारे स्पोर्ट्स हुई, इसमें स्टेट में हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास 11 ट्रॉफियां आई हैं, जिसमें 6 ट्रॉफियां जो लड़कों के वर्ग ने हासिल की हैं और 5 ट्रॉफीज लड़कियों के वर्ग में हासिल हुई हैं। और इसमें एक लड़की जो है वो हमारी बेस्ट एथलीट भी रही है। तो ऐसी आशा है मुझे कि अपने बड़ियार जी का जो दिशा निर्देश रहता है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, उन प्रयत्नों के कारण पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे इस जिला में 11 ट्रॉफियां स्पोर्ट्स में हासिल हुई हैं। और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नेशनल खेलने भी जा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। बड़ियार जी के साथ साथ जितनी टीम ने, हमारे ऑफिस ने या टीम ने जो भी इसके लिए योगदान दिया, उसके लिए मैं भी इनका आभारी रहूँगा और आशा करूँगा कि बच्चे नेशनल में जाकर के भी हमारे डिस्ट्रिक्ट का और हमारे हिमाचल का नाम रोशन करें। जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ADPO मस्तराम बडियाल ने खिलाड़ियों की उपलब्धियां प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को बताई। पहली बार अंडर 14 आयु वर्ग में जिला के खिलाड़ियों ने 11 ट्रॉफी जीत कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुझे दिल से खुशी है कि इस बार हमारे बच्चों ने, हमारे कोचिज ने बहुत ज्यादा कमाल किया है और हिमाचल प्रदेश से जिला हमीरपुर के लिए लगभग 11 ट्रॉफी जो है, 11 मेडल जो है वो जिला हमीरपुर को आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जिला बहुत छोटा जिला है, जैसे कांगड़ा है, सिरमौर है, शिमला है, मंडी है, ये सारे जिले जो है इनमें इनकी एक तहसील के बराबर हमारा जिला है, लेकिन फिर भी 11 ट्रॉफियां आना एक बहुत बड़ी बात है। मैंने जिंदगी में, मैंने जब ADPO यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं भी उन बड़े जिलों के बराबर अपने जिला को ला सकूं। आज अत्यंत हर्ष की बात है कि मेरे आदरणीय साथियों ने मेरा कहना मानकर उन बच्चों को तराशा है और वो बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके हमारे जिला के मान सम्मान बढ़ाया और हमारे जिला को 11 ट्रॉफी जो है वो लेकर आए हैं। इसमें मैं बता देना चाहूँगा कि गर्ल्स जो स्टेट हुए थे वो हमारे करसोग में हुए थे, जो 14-9, 18 से 17-9, 18 तक हुए थे, वहाँ हमारी बेटियों के बहुत क्लोज मैचेज हुए बाकी भी, लेकिन योगा में गोल्ड मेडल हासिल किया था। जूडो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी गेम और उसमें जूडो में हमारा दूसरा स्थान रहा था। उस वाइज जो मेजर गेम्स थी हमारी वो कल्पा किन्नौर में हुई थी, उसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसमें फुटबॉल में हमारा हिमाचल प्रदेश में दूसरा स्थान रहा है। फुटबॉल के बारे में भी मैं बता देना चाहूँगा कि फुटबॉल में हमारे पास ग्राउंड की कमी होती है, जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। लास्ट ईयर हमने गोल्ड मेडल जीता था, इस बार हमने सिल्वर मेडल जीता है। बास्केटबॉल में हमारा हिमाचल प्रदेश में दूसरा स्थान रहा है। उसके बाद बॉक्सिंग में हमारे 2 ब्रॉन्ज मेडल हमारे बच्चों ने जीते हैं। उसके बाद माइनर गेम्स हमारी बसदेड़ा जिला ऊना में आयोजित हुई थी, वहाँ भी हमारे बच्चों को बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा था। योगा में एक बार फिर गोल्ड मेडल जिला हमीरपुर को हमारे बच्चे लाए हैं और बैडमिंटन में पहली बार सिल्वर मेडल जो है वो जिला हमीरपुर को मिला है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और रेसलिंग में हमारे 3 बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एथलेटिक में एथलेटिक कल्चर प्रोग्राम हमारा
इसमें धर्मशाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला में खेल हुआ, वहां पे हमारे बच्चों ने कमाल किया है। उसमें एथलेटिक में 100 मीटर में सेकंड प्लेस थी, 200 में बॉयज में सेकंड प्लेस है, डेक्लामेशन में गोल्ड मेडल हिमाचल प्रदेश से जिला हमीरपुर जीत के लाया है।